ग्वालियर के जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च कॉलेज में आज नर्सिंग छात्राओं के लिए लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विज्म ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील सिंह राठौर और ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह की मौजूदगी में करीब 450 नर्सिंग छात्र छात्राओं को बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ मरीजों असहाय लोगों की सेवा करने की शपथ दिलाई गई। वहीं विज्म ग्रुप की ओर से संचालित हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को बेहतर काम करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिए गए। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें विशेषकर नर्सिंग के भाइयों और बहनों ने जो सेवा की शपथ ली है, गर्व इस बात के लिए है कि जिनने शपथ आज ली है वो परीक्षा पहले दे चुके कोरोना के बीच में, और VISM के जो छात्र छात्रा थे, डॉक्टर्स थे और उनके मैनेजमेंट के लोगों ने कोरोना में जो सेवा की, इस शपथ के बाद कई बार प्रयोग होते हैं, उनने पहले ही वो उस प्रयोग में पास हुए हैं, और ऐसे लोगों के शपथ ग्रहण में उपस्थित होना मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। दुनिया के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसमें ब्रह्मास्त्र के रूप में ये नौजवान भाई और बहन देश की सेवा में रत रहेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास भी है और मेरी शुभकामनाएं भी है। अकाल की वजह से नहीं हो पाई। आज हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रहलाद पटेल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, अध्यक्षता माननीय जयवंत सिंह पवैया जी ने की, और विशेष अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती इमरती जी थी। वास्तव में कोरोना काल में एक ऐसा समय आया जो मैंने इसी प्रांगण में बैठ के देखा कि लोग इस छोड़ के भाग जाते थे, वहाँ कोई नहीं देखता था। हमारे नर्सिंग के बच्चों ने उनको बहुत अच्छे से टैकल किया, उनकी मसाज भी की जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे कि बच्चों की थेरेपी होनी है, पेशेंट की थेरेपी की। ऐसे नर्सिंग योद्धाओं को आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे अतिथि और शहर के गणमान्य व्यक्ति और सभी मीडिया के बंधु आए, रियली सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड वेव के लिए VISM हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास 24 बिस्तर का ICU है, वेंटिलेटर, बाईपैप, CPAP से लेकर जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव से मैं समझ चुका हूं, तो जो रिक्वायरमेंट थी मैंने फुलफिल कर ली है, मैं उसके लिए तैयार हूं और ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूं कि ऐसा समय ना आए।